बड़वानी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और रैपिड एक्शन फोर्स की अब कमांडेंट योगेश आनंद राव दाखुले और पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला बड़वानी नेतृत्व में पहुंची। 72 सदस्यीय रैपिड एक्शन फोर्स और बड़ादी पुलिस थाना में पदस्थ टीम बड़वानी शहर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय पाला बाजार से फ्लैग मार्च निकाला है। उप कमांडेंट श्री दाखोले ने बताया है कि इस प्रकार के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य स्थानीय पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स और आमजन में सामंजस्य बनाना है, जिससे कि भविष्य की संभावित चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। फ्लैग मार्च कालका माता मंदिर, पानवाड़ी मोहल्ला, मोटी माता चौक, झंडा चौक, महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग, बड़वानी शहर के विभिन्न मोहल्ले से होते हुए जहाँ कहीं मोहल्ला वासियों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया है, वापस कालका माता मंदिर प्रांगण में समापन हुआ। फ्लैग मार्च में एसडीओपी श्रीमती रूपरेखा यादव, थाना प्रभारी विकास कपी, इस दौरान सहायक कमांडेंट श्री रणसिंह, श्री प्रभांशु प्रभाकर, निरीक्षक जीडी राजेश कुमार, हेमंत प्रसाद एवं सशस्त्र रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद रहे। देखिए 25 तारीख से हमारे जिले में आरएएफ की एक यूनिट आई हुई है। आरएएफ एक केंद्रीय पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ या सांप्रदायिक तनाव के जो दंगों वाली स्थिति होती है उसे निपटने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स है, वेल ट्रेन्ड फोर्स है। तो 25 तारीख से हमारे जिले में एक परिचय अभ्यास के लिए आया हुआ है और अब तक सेंधवा, अंजर, ठीकरी, राजपुर, पलसूद इत्यादि जैसे सभी संवेदनशील कस्बे ये लोग कवर कर चुके हैं। आज बड़वानी मुख्यालय पर हमने इनका फ्लैग मार्च रखा था, जिसमें आरएएफ और जिला बल की हमारी पूरी संयुक्त टीम ने, जिसमें मैं भी खुद भी सम्मिलित हुआ, यहाँ पे हमने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया और एक क्षेत्र से पूरा इनको परिचय दिया गया कि कौन से हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, कहाँ पे मिक्स आबादी वाले क्षेत्र हैं, विगत वर्षों में कहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं और हमको भविष्य में अगर ऐसी चुनौती आती है तो किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी विषयों पर हमने चर्चा की है और एक तैयारी के हिसाब से एक परिचय अभ्यास किया है। साथ ही जो आगामी आने वाले त्यौहार हैं हमारे, जो कि वर्तमान में भगोरिया चली रहा है, होली धुलेड़ी है, रामनवमी का पर्व आएगा, इसी तरह से रमजान का महीना आएगा, उसको देखते हुए भी एक तरह से तैयारी भी की गई। यहाँ पे एक फ्लैग मार्च किया गया, आमजन को सुरक्षा का, सद्भावना का संदेश दिया गया और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारा पुलिस बल सक्षम है। इस संदेश को देते हुए हम सभी से शांति की अपील करते हैं और खुशी के माहौल में, सौहार्द के माहौल में सभी त्यौहार मनाए जाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।